नमस्कार, मैं विवेक कुमार। मैं अभी रामगढ़ जिला अंतर्गत चित्रपुर प्रखंड के बड़की पोना पंचायत में हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि अभी वर्षा नहीं होने के कारण किसानों में काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी मायूसी है। चेहरे पे उनके मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होती है इस वर्ष तो किसान के चेहरे पे मायूसी तो देखने को मिल ही रही है। किसानों में भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगा। अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा नहीं होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो अभी आज हम आप लोगों को मिलाते हैं बड़की पोना पंचायत के एक किसान भाई से, जो कि दूसरे जगह से पानी टुलू पाइप के माध्यम से ला के अपने खेतों तक पहुँचा रहे हैं। पे धान लगाने के उद्देश्य से पानी की सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जान ही रहे हैं क्योंकि अभी वर्षा नहीं हो रही, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का किसान भाइयों को सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या समस्या हो रहा है चाचा? हम सब बिल्कुल कृषि के ही सहारे जीवन निर्वाह करते हैं। प्लस अभी मौसम है धान लगाने का, धान लगाने के लिए पानी का बहुत कमी है। हल्का फुल्का केवल बीजा जो लगाए हैं वो बीजा केवल जीवित है, बाकी सब खेत सूखा हुआ है। इसलिए हम लोग को जीविका चलाने के लिए सरकार के ओर से कुछ मदद होनी चाहिए, या तो वर्षा के लिए कुछ काम किया जाए कि ताकि वर्षा हो, जो कि हम लोग को उससे अनाज मिलेगा, और हम लोग को नहीं बल्कि पूरा जनता को अनाज मिलता है। कृषि वाला है, कहीं भी पैदा कर लेता है तो सबको खाने के लिए मिलता है, और हम ही लोग नहीं पैदा करने सकेंगे तो फिर सबको मिलेगा कहाँ से? अच्छा, खेत में अभी पानी कहाँ से आया? ये सब पहले का वर्षा हुआ कुछ है, अभी रोपा शुरू भी नहीं हुआ है। पानी नहीं है तो शुरू कहाँ से होगा? इसलिए पानी का ही व्यवस्था हम लोग को बहुत कम है, हो ही नहीं रहे। वर्षा नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा समस्या है, इसलिए मतलब सूखा पड़ गया है। तो आपने सुना कि हमारे किसान भाई जो हैं वर्षा नहीं होने के कारण काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कृषि जब खेती करते हैं तभी हम सब अनाज को पाते हैं और खाते भी हैं। और क्या क्या समस्या हो रहा है अभी? क्या होगा, यह सब है, सूखा हो रहा है, पानी बरसा नहीं हो रहा है, और क्या होगा? अरफन हम लोग के खाना और पीना के लिए धान के अलावा क्या धान के अलावा कहा करेगा? यही सब जैसे धान उन बीजा उजा ही सब लगाया है, कुछ नहीं अभी पैदा हो रहा है, वही कह के नहीं किया है। अभी बस वर्षा का इंतजार हो रहा है। हाँ, बस है वर्षा के इंतजार के चलते तो रुक गया है। तो आप देख सकते हैं बारिश के इंतजार में किसान भाई लगे हुए हैं, बारिश के इंतजार में अपने खेतों को हल से जोत रहे हैं। साथ ही वर्षा नहीं होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना कृषि भाइयों को करना पड़ रहा है, जो कि जीता जागता उदाहरण आप यहां पर देख सकते हैं। बारिश नहीं होने के कारण खेत किस तरह से सूखा पड़ा है, कि जो भी एक दो दिन पहले हल्का बारिश हुआ उससे ही खेतों में थोड़ी बहुत नमी देखने को मिल रही है, जिससे कि किसान भाई यहाँ पर हल जोत के उपजाऊ मिट्टी बनाने का तैयारी में लगे हुए हैं। धान का बीन को लगाने की तैयारी की जा रही है। इधर देख सकते हैं जो बिछड़ा लगाया गया था वो भी वर्षा नहीं होने के कारण सूखने के कगार पे है अभी। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की यहाँ पे पाइप के द्वारा किया जा रहा है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से किसान भाई कुएं में पाइप लगा के पानी की जो व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं खेतों में। तो ये स्थिति बनी हुई है, काफ़ी समस्या है किसान भाइयों में। अगर बारिश नहीं होती है तो इस वर्ष भी सुखाड़ जैसा हालत पूरे क्षेत्र में बन जाएगा।